आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सूखी सब्जी। ये सब्जी देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने दोस्तों और फैमिली में जरूर शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए गैस हमने चालू कर दिया है और गैस का फ्लेम हमारा हाई है। गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में हम एक चम्मच सरसों तेल डाल देते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल देते हैं। जीरा को चटकने देते हैं। देखिए जीरा चटक चुका है। इसमें हम एक मीडियम साइज का प्याज डाल देते हैं जिसे हमने लंबी लंबी स्लाइसेस में काट दिया था। देखिए प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, सिर्फ कलर चेंज होने तक ही भूनना है। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इसमें हम गोभी डाल देते हैं। ये आधा किलो गोभी है, इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। देखिए ये छोटे वाले आलू है जिसे हमने धो के काट लिया है। ये एक कटोरी आलू है, इसे हम डाल देते हैं। और देखिए एक कटोरी गाजर है, इसे भी हम डाल देते हैं। और ये एक कटोरी मटर है, इसे भी हम डाल देते हैं। और इन सब्जियों को हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। देखिए इसे हम ढक देते हैं और ढक के हम थोड़ी देर तक इसे पकने देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन हटा के इन सब्जियों को अच्छे तरीके से चला लेते हैं। देखिए हमने 5 से 6 हरी मिर्च लिया था जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, इसे हम डाल देते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। इन सभी को हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगा के सब्जी को हम थोड़ी देर और पकने देते हैं। ढक्कन हटा के सब्जी को हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं। गैस का फ्लेम हम धीरे कर देते हैं। इसलिए अब हम मसाले डाल देते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा, काली मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये टमाटर की प्यूरी है जिसे हमने 4 चम्मच लिया, इसे भी हम डाल देते हैं। इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और देखिए चाहे तो आप गोभी को फ्राई करके भी डाल सकते हैं या आप वैसे भी बना सकते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे पूरी, पराठे, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। देखिए अब इसे हम ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन हटा के हम सब्जी को अच्छी तरह से चला लेते हैं। देखिए ये सब्जी हमने ढाबा स्टाइल में बनाया है। ढाबा स्टाइल में क्या करते हैं, गोभी को फ्राई करके बनाते हैं। हमने बगैर फ्राई किए ही बनाया है। और इसे चलिए हम ढक्कन लगा देते हैं और थोड़ी देर सब्जी को इस तरफ पकने देते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ढक्कन हटा के सब्जी को हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं हमारी सब्जी पकी कि नहीं। देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। इसे हम मिला लेते हैं। सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। चलिए हम अब धनिया से गार्निश कर देते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी कैसी बनी है।